आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। आप लोग को बहुत देर से इंतजार था कि BHU का कब एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। बेसिकली लोग MSc केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, तो इसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर BHUonline.in। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये चीज़ें मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ, अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। BHUonline.in जैसे आप सर्च करेंगे BHUonline.in ये सर्च है मेरे में पहले से। जैसे मैंने सर्च किया, जो पहली वेबसाइट आ रही है इस वेबसाइट को आप ओपन कीजिए। ये वेबसाइट मैंने ओपन करा, ओपन हो रही है वेबसाइट। एक और भी फोल्डर पहले से ओपन है, इसको हटा देता हूँ मैं। आप थोड़ा सा इसमें नीचे आओ, यहाँ दिख रहा है एडमिट कार्ड, अंडर ग्रेजुएट का एक ऑप्शन है, फिर एक है पोस्ट ग्रेजुएट वाला। नीचे दिखा है एडमिट कार्ड, आप एडमिट कार्ड वाले पे टच कर दो, एक नया विंडो खुलेगा। अब इसमें आपको अपना इनरोलमेंट आईडी और ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हैं। तो मैं जल्दी से ईमेल आईडी डाल देता हूँ। और ईमेल आईडी डाल के मैं ये सर्च कर देता हूँ। जल्दी से ईमेल आईडी मैंने डाला है और इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद अब यहाँ पे ये शो कर रहा है इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन। मेरा वेन्यू ऑफ टेस्ट पहले यहाँ पे दिखा रहा है, और ओल्ड CST बिल्डिंग फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये मेरा वेन्यू दिखा रहा है। इसको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं। जैसे आप डाउनलोड करोगे, ये पूरा आपके सामने खुल करके चला आएगा। ये मेरा तो नहीं है, ये है मेरे दोस्त का, तो ये खुल करके आ गया है। यहाँ पर मैं फ़ोटो को ब्लर कर दे रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर भी ब्लर कर दे रहा हूँ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, उसको मैं ब्लर कर दे रहा हूँ। इसमें काम की बात क्या है, आपके आपको रजिस्ट्रेशन आईडी रोल नंबर मिलेगा, वो सारा आपको नोट करना है। और सबसे नीचे आप जाओगे, अब देखो कुछ चीज़ें जिनका आपको साथ में ध्यान रखना है। यहाँ से आप वेबसाइट पर आ तो गए, डाउनलोड तो कर लिए, मगर कुछ चीज़ों का आपको साथ में ध्यान रखना है। ध्यान किन बातों का रखना है, पहली बात जिसका ध्यान रखना है, फोटो के बगल में एक आपको अपनी फोटो लगानी है। यहाँ पर लिखा हुआ फिक्स योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो विच शुड मैच विथ वन अपलोडेड, जो आप अपलोड किए हो उससे मैच करता हुआ फोटो आपको लगाना है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली वही फोटो लगाओ, मैच करता हुआ मतलब आपका ही बेसिकली होना चाहिए। आप एक फोटो अटैच करो। थोड़ा और नीचे आते हैं, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का एक ऑप्शन है, यहीं सिग्नेचर अभी मत कर देना। आप जब जाओगे एग्जाम हॉल में तो वहाँ जो एग्जामिनर होगा वो आपसे सिग्नेचर करवाएगा। आप अपने सामने जब भी आप एग्जाम दे रहे होगे तो चेक करने आते हैं लोग घूम के, उसी समय वो सिग्नेचर कराएंगे। आपको इन बातों का ध्यान रखना है, फोटो लगा लेना है वहीं वाला, वैसा ही मिलता जुलता, और सिग्नेचर उनके सामने करना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाउनलोड करने के बाद जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, आपका जो एग्जाम, पहले तो इसको मैं प्रिंट फॉर्म पर जाता हूँ और कहीं इसको मैं सेव करके रख लेता हूँ। जैसे मैं प्रिंट फॉर्म करूँगा, एक मेरे साथ नया विंडो खुल करके आ रहा है, ये मेरे लैपटॉप में ऐसा खुल के आ रहा है, फ़ोन में किसी दूसरे तरीके से खुल के आएगा। आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन में इजीली डाउनलोड होगा, कोई इशू नहीं है। सारा प्रोसीजर सेम है, कोई अलग नहीं है कि ये नहीं मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ तो कैसे होगा, ऐसा कोई गेम नहीं है। यहाँ पे मेरे ये प्रिंटर का ले लिया, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सेव एज PDF कर देता हूँ। तो ये अब ये लोडिंग प्रीव्यू ले रहा है। बाकी इसी में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनका ध्यान रखना है। देखो ध्यान आपको किन बातों का रखना है, जो आपका सेंटर है, सेंटर है, ये लिखा है वेन्यू ऑफ टेस्ट ओल्ड CST बिल्डिंग, जो का फैकल्टी ऑफ आर्ट्स BHU के अंदर है। आपका जो भी एग्जाम सेंटर है आप उसको गूगल मैप में एक बार डाल दो, डाल करके चेक कर लो कि मेरा ये मैं वहाँ आसानी से रीच कर पाऊँगा नहीं, पहुँच पाऊँगा कि नहीं, उसको डाल करके आप चेक जरूर कर लेना। हो सकता है कोई ऐसे जगह मिल जाए जहाँ आप आसानी से जानते नहीं पहुँच ना पाओ, तो कई बार को एक दिन पहले आपको जाके देखना पड़ेगा कि ये है मेरा वेन्यू एग्जाम सेंटर। अभी तो कोविड के टाइम में बड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप गूगल मैप के थ्रू देख लो कि यही है हमारा एग्जाम सेंटर, आसानी से पहुंच। कई बार को तो आपको पता होगा, दोस्तों वगैरह से पूछ लो, जो फैमिली रिलेटिव है आपके और भी लोग हैं उनसे पूछ लो कि हाँ इस जगह को जानते हो, फिर अश्योर हो जाओ देन आफ्टर एग्जाम वाले दिन आपको जाना है। और ये रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें आपको संभाल कर रखना है, क्या एडमिट कार्ड रहेगा संभाल करके रखोगी। और इंस्ट्रक्शन इस पर दिया पड़ा है, ये सारा आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ूंगा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये रहा प्रोसीजर और इन बातों का आपको ध्यान रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो आखिर तक देखने के लिए। मिलता हूँ ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, मतलब धमाकेदार क्या, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। रुकिए, यदि वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक करके जाइए ना। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन आएगा दबा दीजिए। तो चलिए, बाय 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 बाय।